हमने किए हैं एल्कीन्स, एल्काइन्स, एलाइल्स और डाइईन लिगेंड्स। इसके अलावा हमने किलेटिंग ओलिफिनिक लिगेंड्स को भी डिस्कस किया है। अब एक आज नया हम जो लिगेंड है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और स्पेशली उस लिगेंड के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल को हम मेन डिस्कस करेंगे। तो जो मेटल डाइइनाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी जहां पर लिगेंड कौन होगा, डाइइनाइल, तो ये डाइइनाइल लिगेंड में आप चार तरीके के लिगेंड की स्टडी करेंगे, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ए साइक्लिक पेंटा डाइइनाइल, साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल एंड साइक्लोहेप्टा डाइइनाइल। तो ये लिगेंड किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। तो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि लिगेंड्स की नेमिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये लिगेंड्स की नेमिंग मैं एक बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने लिगेंड्स को कई तरीके से ऑलरेडी क्लासिफाई करना सीख लिया है। यहां पर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड, ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई दी लिगेंड। हम उस लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपने एल्काइल और एराइल लिगेंड आप पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर आप ट्रांजिशन मेटल एल्काइल, एराइल, एसाइल्स भी आप पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। तो ये जो लिगेंड्स हैं, ये जनरली दे आर वन इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स एंड दे आर नोन एज आइल। देखिए, इनके जो जो सफिक्स है वहां पर लगता है YL, तो ये आइल लिगेंड्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। फिर आपने देखा इथाइलीन, इथाइलीन जिसे हम ओलिफिन भी कहते हैं, ओलिफिनिक लिगेंड्स जो होंगे जिनमें एक डबल बॉन्ड होगा, दे आर जनरली टू इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड देयर क्लास ऑफ लिगेंड इज एल्कीन। उनकी जो क्लास ऑफ लिगेंड है वो क्या है, एल्कीन है। तीसरे तरीके के लिगेंड हमने पढ़े, देखिए पाई एलाइल, एलाइल पढ़े हमने, एलाइल जहां पर तीन कार्बन एटम होते हैं और तीन पी इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो इस तरीके के जो लिगेंड्स हैं वो तीन इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इनको हम इनाइल कहते हैं, ये इनाइल लिगेंड्स हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, इनाइल लिगेंड्स आप पढ़ चुके हैं। देन अब आप देखिए ब्यूटाडाइन एंड साइक्लोब्यूटाडाइन। तो ये जो डाइन है, डाइन, डाइन मतलब दो डबल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड होने की वजह से दे आर जनरली फोर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज और इनका जो क्लास है वो है डाइन। तो डाइन के अंदर कौन आए, ब्यूटाडाइन आया, साइक्लोब्यूटाडाइन आया, ये। देन जो नेक्स्ट क्लास आती है लिगेंड्स की वो है डाइइनाइल, डाइइनाइल, डाइइनाइल का मतलब है कि ये पांच इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं। अब आप दो फॉर्म, जनरली हर लिगेंड की हम बात करेंगे, अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है ये तब की बात है, ये जो मैं इलेक्ट्रॉन डोनर पावर इनकी कह रही हूं, तो डाइइनाइल की अगर मैं बात कर रही हूं तो जब इसको हम न्यूट्रल लिगेंड की तरह बात करेंगे तब हम इसे पांच इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। अगर ये एनायनिक स्पीसीज होती है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा देन इट विल बिकम सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर। तो लेकिन अभी हम डाइनाइल, सिंपल डाइनाइल, न्यूट्रल डाइनाइल की बात कर रहे हैं, तो ये फाइव इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और इसके अंदर जो लिगेंड्स आते हैं वो है, देखिए साइक्लो पेंटा डाइनाइल, साइक्लोहेक्सा डाइनाइल, साइक्लोहेप्टा डाइनाइल, इनके सबके सफिक्स में आप देख रहे हैं डाइनाइल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये डाइनाइल लिगेंड्स है। फिर आप देखेंगे कि ए साइक्लिक पेंटा डाइनाइल, वो भी डाइनाइल के ही फॉर्म है। फिर आप देखेंगे ट्राइइन, ट्राइइन जहां पर तीन डबल बॉन्ड होंगे, तो जहां पर तीन डबल बॉन्ड होंगे वो सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होंगी जनरली लिगेंड्स की, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड होते हैं इसलिए वो छह इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है। साइक्लोहेक्सा हेप्टा ट्राइइन, तो साइक्लोहेप्टा ट्राइइन में कार्बन तो होंगे सात, लेकिन जो बॉन्ड होंगे वो डबल बॉन्ड कितने होंगे, तीन होंगे, इसलिए वो सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसी तरीके से आप देखेंगे साइक्लोहेक्सा डाइनाइल, अगर मैं कह रही हूं तो कार्बन तो छह होंगे लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी उसकी पांच की होगी। साइक्लोहेप्टा डाइनाइल में सात कार्बन होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर सकता है, पांच कर सकता है। फिर आप देखिए ट्राइइनाइल लिगेंड, ट्राइइनाइल लिगेंड को अगर हम देखेंगे तो ये न्यूट्रल फॉर्म में दे आर सेवन इलेक्ट्रॉन डोनर और इसका एग्जांपल है साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल। तो ये लिगेंड्स हम पढ़ेंगे, लगभग सारे लिगेंड्स की हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, जिसमें से हम डाइन लिगेंड्स पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं डाइइनाइल लिगेंड। और स्पेशली उसमें जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपसे फिर से बता रही हूं, वो है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल लिगेंड, ठीक है। अच्छा, तो उसमें जो है अब हम
डाइइनाइल लिगेंड्स को देखें तो मैंने आपसे कहा कि हम चार तरीके के लिगेंड्स की बात करेंगे। तो चार तरीके के लिगेंड्स हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एसाइक्लिक पेंटाडाइनाइल, साइक्लोहेक्साडाइनाइल एंड साइक्लोहेप्टाडाइनाइल लिगेंड्स की बात करेंगे। यहां पर आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये लिगेंड जो है 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं मेटल को, और 5 ये कार्बन एटम के थ्रू जुड़े हुए होते हैं मेटल सेंटर के साथ, ठीक है। तो इनको हम जनरली पेंटा हेप्टो कहते हैं, और ये 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है। देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है, ये साइक्लो पेंटा डाइइनाइल है। फिर आप देखिए ये ओपन जो कंपाउंड, ओपन 5 एटम कंपाउंड है जो कि 5 कार्बन एटम के थ्रू जुड़ सकता है, इसलिए ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल है। 5 कार्बन एटम है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट ये ए साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, इसलिए ये ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल है। अब आप इस चीज को देखिए, यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। पर 6 मेंबर्ड रिंग को अगर आप देखेंगे तो ये अगेन, लेकिन कितने कार्बन एटम से जुड़ी है, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज की तरह एक्ट कर रही है। अब यहां पर आप देखिए देयर आर 7 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम है, बट अगेन इट इज एक्टिंग एज eta 5, 1 2 3 4 5। आप सर्किल देखिए, जो हाफ सर्किल बना हुआ है वो कल 5 कार्बन एटम्स में ही बना हुआ है। ऐसे आप यहां पर देखिए 6 कार्बन एटम होने के बावजूद ये केवल 5 कार्बन एटम पर ही ये जो सर्किल, हाफ सर्किल है ये बना हुआ है। इसका मतलब ये 5 कार्बन एटम से जुड़ेगा, ये भी 5 कार्बन एटम से जुड़ेगा, और जब ये न्यूट्रल होंगे देन दे विल बी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। और इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है MN के साथ, यहां पर ए साइक्लिक पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है वो साइक्लोहेक्साडाइनाइल के साथ, ये साइक्लोहेप्टाडाइनाइल के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और अधिकतर कॉम्प्लेक्सेस आप देखेंगे दे जनरली दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ओके। अब यहां पर मैंने आपसे ये भी कहा है, अभी आप देखेंगे, चलिए एग्जांपल में आप देखेंगे, यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये जो रिंग है जनरली ये eta 5 की तरह एक्ट करती है अगर ये न्यूट्रल होती। अगर मैं इसको न्यूट्रल लूं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको न्यूट्रल ले रही हूं तो उस समय MN के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, MN के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये लिगेंड न्यूट्रल है, MN न्यूट्रल है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। जो कार्बोनिल है, 2 कार्बोनिल है और एक PPH3 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। अगर हम कहें कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ये एनायन की फॉर्म में अटैच्ड है, यानी C5H5- की फॉर्म में अटैच्ड है, तब ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अगर ये आयनिक फॉर्म में अटैच्ड है तो तब ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जब ये आयनिक होगा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जब MN के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो लिगेंड है 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए अगेन इट बिकम्स 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो नेगेटिव की फॉर्म में अटैच्ड है या वो न्यूट्रल की फॉर्म में अटैच्ड है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट करने का मेथड है कि हम किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, ओके? अब आप देखिए साइक्लो पेंटाडाइनाइल को अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको कहा कि ये C5H5 होती है, इसको हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इस पर हम दिखाएं कि ये एनायनिक है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हम दिखाएंगे, और 2 देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये अगर नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं देन इट इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, बट इफ इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज देन इट विल बी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अगर हम इस एनायन को देखें तब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। एनायन जो है वो क्या है, एरोमेटिक होता है। क्यों एरोमेटिक होता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले से ही थे और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो बिकॉज इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो ये स्टेबल होती है, जो एनायनिक फॉर्म होती है स्टेबल होती है। एक्चुअली मैं आपसे ये कहती हूँ कि एनायनिक फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स, आप सोच सकते हैं कि भाई एनायनिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बना रहा है तभी वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, क्योंकि वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनती है, तो वो आप एनायनिक फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं और आप न्यूट्रल फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं। ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, अगर इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल में ये जो 5 एच है, इफ दीज एच दे आर रिप्लेस्ड बाई मिथाइल ग्रुप, अगर ये मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए
तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीपी स्टार, पेंटामिथाइल साइक्लोपेंटा डाइनाइल। तो अगर हम सीपी लिख रहे हैं मतलब हम साइक्लोपेंटा डाइनाइल की बात कर रहे हैं, अगर हम सीपी स्टार लिख रहे हैं मतलब हम साइक्लोपेंटा डाइनाइल का मिथाइल डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन है जनरली इट टेक्स प्लेस थ्रू 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम के थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है। और ये जो जो स्पेशल टाइप के जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनको हम मेटलोसीन कहते हैं, जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल बनाते हैं। और उन मेटलोसीन के लिए विल्किंसन एंड फिशर को नोबल प्राइज मिला 1973 में, लगभग 50s में उन्होंने ये मेटलोसीन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था और उनको नोबल प्राइज मिला 1973 में मेटलोसीन के स्ट्रक्चर को लेके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स। अगर हम इन्हें देखें तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड्स हैं, दे आर स्पेक्टेटर लिगेंड्स। स्पेक्टेटर लिगेंड्स मींस जनरली दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो करते हैं उन्हें हम एक्टर लिगेंड कहते हैं। अब ये जो लिगेंड होते हैं, जो इसके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स जिन्हें हम सैंडविच कंपाउंड कहते हैं, यानी उन्हें हम मेटलोसीन भी कहते हैं, सैंडविच कंपाउंड या मेटलोसीन। दूसरे तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं बेंट या बेंट मेटलोसीन, इनको हम बेंट मेटलोसीन भी कहते हैं। अभी आप स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखेंगे तीनों के, तीनों ही कॉम्प्लेक्स साइक्लोपेंटाडाइनाइल मेटल के साथ मिलकर बनाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इन, ये 3 कैटेगरी के बनते हैं, मेटलोसीन, बेंट मेटलोसीन एंड हाफ सैंडविच, जिन्हें हम पियानो स्टूल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। अब आप इन तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख सकते हैं, ये जो कंपाउंड है ये है सैंडविच टाइप। सैंडविच टाइप मीन्स कि यहां पर आप देखिए एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग यहां है, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल नीचे है, और बीच में क्या है, ये जो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे आर लाइक दी बटर इन बिटवीन टू प्लेट्स, इट बिकम्स अ सैंडविच। तो ये जो आयरन है ये दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के बीच में है, तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स है इन्हें हम सैंडविच कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इनको मेटलोसीन भी कहते हैं, इनको हम CP2M से दिखाते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला है CP2M। तो ये क्या है, ये आप देखेंगे तो ये मेटलोसीन है। अब आप यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर, यहां पर आप देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल तो है ही है, जैसे यहां पर थी, लेकिन उस साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ साथ दो हैलाइड ग्रुप्स भी हैं, दो अदर लिगेंड्स भी हैं। तो इस तरीके की जो मेटलोसीन है उसे बेंट मेटलोसीन कहते हैं, क्योंकि ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही बेंट हो गई, ये सैंडविच नहीं बना रही अब, तो ये बेंट हो गई क्योंकि यहां पर दो जो लिगेंड्स हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट। और इस तरीके की जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है उसका जनरल फॉर्मूला CP2MXN, जहां पर एक्स क्या होता है, सीएल हैलाइड्स होते हैं जनरली, और ये N1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितने ये 1, 2, 3 नंबर्स हो सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल के अलावा। तो ये बेंट मेटलोसीन है। और अगर हम थर्ड कैटेगरी को देखेंगे तो थर्ड कैटेगरी है पियानो स्टूल। पियानो स्टूल मींस यहां पर केवल एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, देखिए एक है, बाकी क्या है, दूसरे लिगेंड्स हैं, जैसे जनरली कार्बोनिल प्रेजेंट है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CPMLN, जहां पर एल जो है मे बी 2, 3 और 4। ये जो लिगेंड्स हैं ये 2 से 4 तक हो सकते हैं, तो इसको हम पियानो स्टूल कहते हैं। पियानो स्टूल यानी हाफ सैंडविच कहते हैं, क्योंकि एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल नहीं है। पियानो स्टूल का मतलब जैसे पियानो का स्टूल है, बैठने का स्टूल जो है, उस तरीके से इसका शेप हम कह सकते हैं। जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है ये एक स्टूल की तरह काम करती है, इसको हम कहेंगे स्टूल की तरह, एक स्टूल के जो सीट है उसकी तरह हम इसको मान सकते हैं। और जो ये बाकी लिगेंड्स हैं ये उसके लेग्स, जो स्टूल है उसके लेग्स की तरह हम मान सकते हैं। इसलिए जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो 3 तरीके के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, मेटलोसीन यानी सैंडविच, बेंट मेटलोसीन, ठीक है, और
ये है हाफ सैंडविच या पियानो स्टूल टाइप मेटलोसिन। तो तीन तरीके की मेटलोसिन फॉर्म करते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जनरली हम जो यहां पर आपको बताने वाले हैं वो इसका साइक्लोपेंटाडाइनाइट एनाइन की फॉर्म में मैं आपको समझाने वाली हूं, क्योंकि उससे जब हम उसके बॉन्ड्स को, उसकी बॉन्डिंग को जानना चाहते हैं तो वो समझना आसान हो जाता है। इसलिए हम यहां पर इसकी एनाइनिक फॉर्म आपको दिखाने वाले हैं, उसी से हम पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसी से हम इलेक्ट्रॉन काउंटिंग दिखाएंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको समझाना आसान हो जाता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि यहां पर जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो एनायनिक फॉर्म में दिखेगी, और जो जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो है एक कैसा है, एरोमेटिक सिस्टम है, इसलिए इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज है, इट मे बी हेयर, तो पांचों में से किसी भी कार्बन एटम पर ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इसलिए आप ये देखेंगे कि ये रेजोनेंस शो करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और सारे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, और वो कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, तो ये 1.39 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और जो CH जो एटम्स होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग होती है, उस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल को देखें तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कितने तरीके से बाइंड कर सकता है, इट मे बाइंड एज ईटा 5, इट मे बाइंड एज ईटा 1, इट मे बाइंड एज ईटा 3 लिगेंड, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम है, इसलिए ये तीन तरीके से बाइंड हो सकता है। देखिए, इस तरीके से बाइंड हो सकता है कि एक कार्बन एटम मेटल के साथ बाइंड हो, पांचों कार्बन एटम इन्वॉल्व नहीं है, केवल एक कार्बन एटम इन्वॉल्व है, तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं ईटा 1। तो ये ईटा 1 बॉन्डिंग है। यहां पर आ जाइए, यहां पर आप देखिए, ये इस तरीके की बॉन्डिंग भी कर सकता है कि 1, 2, 3 कार्बन एटम के थ्रू ये मेटल से जुड़े और ये ईटा 3 कहलाए, और क्या हो सकता है कि ये 5 कार्बन एटम के थ्रू जुड़े और ये ईटा 5 कहलाए। तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए ये इन तीनों तरीके के जो बॉन्डिंग है वो शो कर सकता है, और उसके वेरियस एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फेरोसिन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ईटा 5 की फॉर्म में जुड़ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है टंगस्टन का, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक रिंग ईटा 3 की फॉर्म में है और एक रिंग ईटा 5 की रिंग फॉर्म में है, और ऐसे ही आप देखेंगे ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, जहां पर एक रिंग ईटा 1 की फॉर्म में है और एक रिंग ईटा 5 की फॉर्म में है। जैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अगर मैं दिखाऊं टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स, तो आप ये देख सकते हैं कि W, ठीक है, एक जो रिंग है वो देखिए इस तरीके से जुड़ी होगी और दूसरी रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई होगी ईटा 3 फॉर्म में, ये देखिए ये, ठीक है, और दो इसके साथ क्या है, CO है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि यहां पर ये वाली जो रिंग है वो ईटा 3 है और ये वाली जो रिंग है वो ईटा 5 है, तो इस तरीके की ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल की बात कर रही हूं, इनाइल की, एनायनिक फॉर्म की, इसके एनायनिक फॉर्म की, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बॉन्डिंग समझाने में आसानी होती है, इसलिए हम इसके एनायनिक फॉर्म को लेते हुए बता रहे हैं बॉन्डिंग। तो अगर हम एनायनिक फॉर्म को देखें तो एनायनिक फॉर्म एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर नहीं है। आप जानते हैं कि हम किन लिगेंड्स की बात कर रहे हैं आजकल, पाई बॉन्डेड लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। पाई बॉन्डेड लिगेंड्स मतलब वो लिगेंड्स जो कि मेटल को तो इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे, बट मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, उन लिगेंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो लिगेंड है, अगर मैं कहूं कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। ये देखिए मेटल से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो उतना अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये अगर मैं बात करूं C5H5 नेगेटिव
की, तो ये बहुत अच्छा एक्सेप्टर नहीं है, पाई एक्सेप्टर नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा बेस है, ये एक अच्छा बेस है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड इन इट्स नेगेटिव फॉर्म इज अ बेस, ये बेस है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से नहीं लेगा, और बल्कि क्या करेगा, देखिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले नहीं पा रहा इतनी आसानी से, तो क्या होगा कि मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, वो दूसरे पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ मजबूत बॉन्ड बनाने लगते हैं. तो जो मेटल है वो इसके साथ उतना मजबूत बॉन्ड नहीं बना रहा है जितना दूसरे पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ बना पाएगा, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव फॉर्म है ये क्या है, कि स्ट्रॉन्ग बेस होती है. ठीक है, अब ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल में कितने कार्बन एटम है, कितने कार्बन एटम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल में, अभी मैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बना रही हूँ, फाइव है, तो फाइव कार्बन होंगे, तो इसका मतलब पांच इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब पांच पी ऑर्बिटल होंगे इसके पास. ठीक है, पांच पी ऑर्बिटल में क्या होंगे, किसी एक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये एनाइन की तरह जुड़ रहा है, तो पांच पी ऑर्बिटल, तो पांच पी ऑर्बिटल साइक्लोपेंटाडाइनाइल के पहले क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, पांच जो ऑर्बिटल्स हैं उसके पी ऑर्बिटल, जैसे आपने ब्यूटाडाइन के देखे ऐसे ही पेंटाडाइनाइल के भी पांच ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो पांच नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. भाई जैसे आपने देखा था कि चार कर रहे थे ब्यूटाडाइन में, जब रिलियनली कंबाइन, तो चार नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे, ठीक उसी तरीके से जब पांच ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो पांच नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. अब देखिए पहले पांच ये बनाएंगे, अब देखिए एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल और है, फिर क्या होगा, आप देखिए पहले जो है एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल के पांचों ऑर्बिटल मिलके पांच ऑर्बिटल बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर दूसरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के भी पांच ऑर्बिटल बना देंगे, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, पांच इसके दस. ठीक है, तो टोटल दस, फिर उसके बाद क्या होगा, पहले इसके ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो ये पांच ऑर्बिटल बनाएंगे, देखिए साई वन साई टू साई थ्री साई फोर साई फाइव, तो पांच इसके होंगे, पांच इसके होंगे, फिर उसके बाद ये बॉन्डिंग कैसे होनी है, फिर ये दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल के जो पांच और पांच हैं ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दस नए ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर ये क्या बना देंगे, पहले ये पांच बनाएगा ये पांच बनाएगा, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दस हो गए. अब जब ये दोनों भी जो है इसके पांच और इसके पांच कंबाइन करेंगे तो फिर ये कितने ऑर्बिटल बना देंगे, दस बना देंगे, ये जो दस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे ये अब देखिए पूरा लिगेंड आ गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल, अब ये पूरा लिगेंड है, ये लिगेंड मेटल को बीच में ले लेगा, अब ये मेटल के साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा, मेटल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, नौ ऑर्बिटल, तो दस ऑर्बिटल तो है लिगेंड के और नौ ऑर्बिटल है मेटल के, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 19, तो इसका मतलब है जब 19 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करेंगे तो 19 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ऐसा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा. अगर आपको क्लियर हो गया हो, अब मैं एक बार और बता रही हूं, देखिए मैंने आपसे ये कहा कि ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, जब मैं सैंडविच मेटलोसीन की बात कर रही हूं तो एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल बीच में मेटल, तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है इसके पास पांच पी ऑर्बिटल है, पांच इलेक्ट्रॉन, पांच छह इलेक्ट्रॉन है और पांच ऑर्बिटल है, इसके पास भी पांच ऑर्बिटल है छह इलेक्ट्रॉन है, तो ये पांच ऑर्बिटल पहले, ये जो पांच ऑर्बिटल है इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, इन्होंने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन किया और कॉम्बिनेशन के बाद पांच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, पांच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे वाला भी बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा बिल्कुल इन्हीं की तरह, पांच ऑर्बिटल और बनेंगे, तो वो पांच और ये पांच, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तब ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वो दस बन जाएंगे, और जो दस बनेंगे फिर वो मेटल के नौ ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके 19 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये इसकी बॉन्डिंग हमें समझाएगी. अब आप देखिए ये जो पांच ऑर्बिटल हैं, ये पांच इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि ये अगर मैं सबसे नीचे वाला ऑर्बिटल देखूं तो आप देखिए प्लस, सारे लोब जो है प्लस ऊपर की साइड है और नेगेटिव लोब नीचे की साइड है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जब एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल के पांचों पी ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं. इसको मैं इस तरीके से दिखा सकती हूं कि सारे के सारे पॉजिटिव लोब्स एक साइड है और नेगेटिव लोब एक साइड है, तो पॉजिटिव यानी एक भी नोड यहां पर नहीं है, इसकी एनर्जी सबसे कम है. फिर आप देखिए दो ऑर्बिटल
ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे जिनकी एनर्जी बराबर होगी, इनकी एनर्जी बराबर होगी, इनमें दोनों में एक एक नोड है। तो ये जो ऑर्बिटल बना, देखिए इसमें दो नेगेटिव ऊपर है और दो पॉजिटिव ऊपर है, तो यहां पर एक नोड है, ठीक है। इस वाले को देखिए, ये वाला ऑर्बिटल जो है दो नेगेटिव ऊपर है और तीन पॉजिटिव ऊपर है, तो एक नोड है देखिए यहां पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे दो ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें एक एक नोड होगी, इसका मतलब दो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी बराबर है, और इस ग्रुप को हम ई कहते हैं, इसको हम ए कहते हैं। ये ए है, ए क्यों है, क्योंकि सिंगल है, एक है, इसलिए ये ए है। ये दो है इसलिए ये ई है, ये ई वन है। पहले ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कि दो हैं जिनकी एनर्जी बराबर है। ये अब उसके ऊपर ऑर्बिटल आप देखिए, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो देखिए एक नोड ये है और एक नोड यहां से जाएगी, तो यहां पर दो नोड है। इस ऑर्बिटल को देखिए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो एक नोड तो यहां पर है और एक नोड यहां पर है, इसलिए यहां पर भी दो नोड है, यहां पर भी दो नोड है, तो दो नोड दोनों में है तो दोनों की एनर्जी बराबर होगी। इस ऑर्बिटल का नाम हमने E2 रख दिया, क्योंकि ये दो है और ये दूसरे नंबर पर है, इसलिए ये E2 है, ये पहला है, ये पहले नंबर पर, इसलिए E1 है, और ये A1 है। सारी जो A1 किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं, B2 किसको कहते हैं, ये सब हम ऑलरेडी अपने जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम वहां पर बता चुके हैं कि इनका नाम A1 क्यों होता है, A2 क्यों होता है। इस तरीके से ये, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है ये नोमेनक्लेचर। A का मतलब है सिंगली डिजेनरेट। अब आप देखिए ये जो ऑर्बिटल है इनको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये देखिए इस हाफ में प्लस है और इस हाफ में नेगेटिव है, तो ये पूरा हाफ नेगेटिव दिखा दिया, ये पूरा हाफ पॉजिटिव दिखा दिया। इसको देखिए आप, इसके ऊपर के हाफ में नेगेटिव ऊपर है और इसके हाफ में पॉजिटिव ऊपर है, तो हमने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये और इजी रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए, ये इस वाले खाने में माइनस है, इसमें पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम इनको शो कर सकते हैं इन रिप्रेजेंटेशन को। तो आपने देखा कि जब पांच ऑर्बिटल थे, पी ऑर्बिटल, वो जब कंबाइन होते हैं तो पांच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल बनाएगी, फिर दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी बनाएंगी, ऐसे 10 ऑर्बिटल बनेंगे। दो ऐसे बनेंगे, चार ऐसे बनेंगे और चार ऐसे बनेंगे, ठीक है। ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल बना रही है, जब दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल बनाएंगी तो दो ऐसे बनाएंगी, चार ऐसे बनाएंगी और चार ऐसे बनाएंगी। और अब आप देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल अगर वो एनायनिक फॉर्म में है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे कि A1 में दो होंगे और जो 4 इलेक्ट्रॉन है E1 में होंगे और E2 खाली होगा, तो इसका मतलब एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा भी, ये अगर लेगा तो, वैसे ये कम लेता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है, माइनस चार्ज है, तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है अगर लेना चाहेगा तो, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो मैंने कहा कि ये देखिए पांच ऑर्बिटल, जो पांच पी ऑर्बिटल थे वो एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल के हैं और ये दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल के हैं। अब ये जो ऑर्बिटल हैं ये कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद मैंने आपसे कहा 10 ऑर्बिटल बनाएंगे, पांच ये पांच और ऐसे ही पांच दूसरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, वो ओवरलैप करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं ये, ठीक है। अब ये 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे इसको, तो देखिए यहां पर एक नोड है, सारे के सारे जो पॉजिटिव पार्ट है ऊपर की ओर है, यहां पर नेगेटिव ऊपर की ओर है, तो लेकिन आप देखेंगे इसमें भी नोड है क्या, इसमें भी नोड है क्या, ये A1 कैटेगरी के ऑर्बिटल है, ये भी A1 कैटेगरी के ऑर्बिटल है, लेकिन अरेंजमेंट जो उनकी सिमेट्री है वो जो उन्होंने लीनियर कॉम्बिनेशन किया वो अलग तरीके से किया है। देखिए कैसे किया है, इस ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे प्लस ऊपर है और यहां पर सारे के सारे प्लस नीचे है, ठीक है। तो ये एक ऑर्बिटल, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बना दिया, जब एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल का A1, ये A1 जिसके पांचों में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका एक का A1 दूसरे के A1 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये एक नया ऑर्बिटल बना रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे, क्योंकि दो बनने हैं ना, एक दो A1 है तो दो A1 मिक्स होंगे तो ये क्या बना देंगे। ऐसे आप देखेंगे कि ये जो है A1 मिक्स होके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो ये आप एक ये देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है, ये सारे पॉजिटिव है और ये सारे जो है वो ऊपर भी पॉजिटिव है, यानी यहां पर जो कॉम्बिनेशन है दोनों पॉजिटिव वाले ऊपर है और यहां पर जो कॉम्बिनेशन है एक में सारे लोग पॉजिटिव ऊपर है और एक में सारे नेगेटिव लोग ऊपर है, तो ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जब एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल का A1 दूसरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के
A1 के साथ जुड़ेगा तो वो इस तरीके का ऑर्बिटल बनाएगा कि इसका नाम होगा A1G और इसका नाम होगा A2U। मैं इतने ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, इतने ऑर्बिटल की। ये अभी आप ये देखिए, ये एक ऑर्बिटल बन गया, ये एक ऑर्बिटल बन गया। तो इसको अगर हम देखेंगे, अगर हम इस ऑर्बिटल को देखें तो आप ये यहां से यहां चलिए, ऑर्बिटल से यहां से यहां क्रॉस करिए, आप नेगेटिव लोब से नेगेटिव लोब की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी रेट। ये एक ऑर्बिटल है, इसको हम ए कहते हैं इसलिए, ठीक है। और इसमें जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं यहां से प्लेन पास करूंगी तो ये इसका मिरर इमेज है, इसलिए हम इसमें वन लिखते हैं। इस ऑर्बिटल को देखिए, यहां पर अगर मैं यहां से यहां क्रॉस करूं तो मैं प्लस से माइनस की ओर जा रही हूं, इसलिए ये यू है, ठीक है। और टू क्यों है, क्योंकि यहां से अगर मैं एक प्लेन परपेंडिकुलर एक प्लेन डालूंगी तो आप देखेंगे इसका नेगेटिव पोल इसका पॉजिटिव पोल इस तरीके से रहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, टू। इसमें क्या आ जाएगा, टू साइन यूज होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है ये दो ऑर्बिटल बना रहा है A1। फिर आप देखिए कि हमारे पास क्या थे यहां पर, फिर दो E1 थे, तो दो E1 देखिए, एक E1, दो दूसरा E1, तीसरा E1, चौथा E1। तो ये चार E1 मिलके चार नए ऑर्बिटल बनाएंगे, चार नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये जो E1 थे, E1 जो थे, दो E1 एक के थे और दो E1 एक के थे, तो जब जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, चार E1 बनाएंगे। दो E1 का नाम E1G है और दो E1 का नाम E1U है। आप देखेंगे एक ऑर्बिटल आपने इस तरीके के देखे थे जिसमें पांच लोब थे, और एक ऐसे देखे थे जिनमें चार लोब थे। देखिए ये देखिए आप, ये देखिए, एक ऐसे लोब थे जिनमें चार लोब थे, एक ऐसे ऑर्बिटल थे जिनमें चार लोब थे, एक ऐसे थे जिसमें पांच थे। तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा डिफरेंट वे में। तो आप देखेंगे, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दो पॉजिटिव ऊपर हैं और इसमें भी दो पॉजिटिव ऊपर हैं, ये बिल्कुल एक से है। देखिए इसके दो नेगेटिव नीचे हैं और इसके दो नेगेटिव नीचे हैं। तो ये जो ऑर्बिटल बनाएगा ये E1G इसका नाम होगा, और यहां पर जो ऑर्बिटल बनेगा इसको हम E1U कहते हैं। और यहां पर दो पॉजिटिव ऊपर हैं और दो नेगेटिव देखिए इसके ऊपर है, और यहां पर दो नेगेटिव ऊपर है ऊपर वाले में, तो यहां दो पॉजिटिव जो है ऊपर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं तीन पॉजिटिव ऊपर, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तीन नेगेटिव ऊपर, ठीक है। और यहां पर देखिए तीन पॉजिटिव ऊपर, तो तीन पॉजिटिव ऊपर। तो इस तरीके से अभी मैं आपको एक बार जिस्ट दिखाऊंगी करके, ये जो ऑर्बिटल थे, देखिए पहले मैंने आपसे कहा कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल था उसने, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल ने कितने ऑर्बिटल बनाए, पांच बनाए, A1, E1 एंड E2। ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल ने भी ऐसे ही बनाया, ठीक है। अब ये पांच हैं और ये भी पांच हैं, तो ये पांचों मिलेंगे अब, और ये पांचों मिलने के बाद फिर क्या बनाएंगे, दो तो एके बनाएंगे, दो एके क्या बनाते हैं, एक तो बनाता है A1G और एक बनाता है A2U, ठीक है। ये दोनों A1 जब कंबाइन करेंगे, जब E1 कंबाइन करेंगे तो E1 कितने हैं, देखिए दो ये हैं और दो ये हैं, टोटल चार है। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, चार बनाएंगे। चार क्या बनाएंगे आप देखेंगे, वो बनाएंगे दो E1G और दो E1U। तो ये देखिए दो E1G बना दिए, दो E1U बना दिए, देखिए चार बना दिए। अब E2 की बारी है, अब ये E2 जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, E2G एंड E2U। ये दो बनाएंगे। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑर्बिटल बना दिए, क्योंकि 10 पी ऑर्बिटल थे कितनों के साथ, जो दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग थी उनके पास 10 ऑर्बिटल थे, इसलिए उन्होंने 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। तो ये 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं। 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से बने हैं, अगर आप देखेंगे जो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो बने हैं, जो आप देखेंगे वो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बने, देखिए A1G, A2U, E1G, E1G, E1U, E1U, E2G, E2G एंड E2U, E2U बनेंगे। ये इतने ऑर्बिटल बन गए 10। यहां पर देखिए जो E2G है उसमें आपने देखा था कि चार ऑर्बिटल थे, और जिसमें कि एक में चार लोब्स ओवरलैप कर रहे थे, एक में पांचों लोब ओवरलैप कर रहे थे। तो यहां पर जो प्रेजेंटेशन है, देखिए दो पॉजिटिव लोब ऊपर है जिनका पॉजिटिव लोब है, और यहां पर दो नेगेटिव वाले ऊपर है। तो ये इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि ये 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और जब इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए हैं, अब इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए हैं, कितने बना लिए हैं, ये देखिए
10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना चुके हैं, 10 एमओज। अब ये 10 एमओज क्या करेंगे, अपनी जैसी सिमेट्री तलाशेंगे, किसके पास, 9 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। अब ये मेटल के 9 ऑर्बिटलों को खोजेंगे, उसको ढूंढेंगे और उसमें से देखेंगे कि किसके साथ उनकी सिमेट्री मैच करती है। तो अब देखिए कि ये जो ऑर्बिटल है ये अपने में, ये ऑर्बिटल ऊपर है और ये नीचे है, इसके बीच में मेटल का ऑर्बिटल लाना है। तो ये कौन से मेटल ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, देखिए 4s ऑर्बिटल। अगर मैं इस 4s ऑर्बिटल को यहां रख दूं तो देखिए वो भी पॉजिटिव है और ये सब पॉजिटिव है, तो ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। या मैं dz स्क्वायर को अगर यहां रख दूं तो dz स्क्वायर भी आप देख सकते हैं, इसका पॉजिटिव लोब, इसका पॉजिटिव लोब और इनके पॉजिटिव लोब यहां पर है। इसलिए यानी s ऑर्बिटल या dz स्क्वायर ऑर्बिटल इस a1g के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। अगर हम a2u को देखें तो a2u को देखिए, यहां पर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। तो इस केस में अगर मैं pz ऑर्बिटल लूं जिसका नीचे का जो पार्ट है वो पॉजिटिव और ऊपर का पार्ट नेगेटिव है, तो आप देखिए ये जो जो ओवरलैपिंग है ये पॉजिटिव नेगेटिव आसानी से हो जाएगी, देखिए बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है जो pz ऑर्बिटल है वो a2u के साथ ओवरलैप करता है। अगर हम देखेंगे e1g को तो e1g में देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसमें इस तरीके का ऑर्बिटल जिसका नाम dyz है ये फिट हो सकता है, क्योंकि इसका पॉजिटिव लोब और इसका पॉजिटिव लोब, इसका नेगेटिव लोब, इसका नेगेटिव लोब, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसको फिक्स कर दीजिए बीच में तो ये ओवरलैपिंग कर लेगा। ऐसे ही अगर आप e1u को देखेंगे तो देखिए py ऑर्बिटल जो है इसका नेगेटिव लोब और इन दोनों के नेगेटिव लोब, इसका पॉजिटिव लोब और इसका पॉजिटिव लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि e1g के साथ dxz कर सकता है, e1u के साथ px कर सकता है, e2 के साथ dxy कर सकता है और e2g के साथ दूसरे e2g के साथ dx2y2 कर सकता है। सारे ऑर्बिटल देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 ऑर्बिटल जो है वो अपने अपनी सिमेट्री को तलाश रहे हैं, अपना जोड़ा ढूंढ रहे हैं कि वो किसके साथ उनकी दोस्ती फिट बैठेगी, किसके साथ वो फिट बैठ सकते हैं। तो उसको ढूंढने के बाद वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये दो जो ऑर्बिटल रह जाएंगे ये खाली रह जाएंगे, इनके साथ किसी की सिमेट्री मैच नहीं करेगी, इसलिए दे विल रिमेन एज सच, दे विल रिमेन नॉन बॉन्डेड। ये नॉन बॉन्डेड रहते हैं ई टू यू, जो ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डेड रहेंगे। अब आप देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, इससे आपको और समझ में आएगा। इसमें मैंने कुछ ही एरो दिखाए हैं जिसकी हमें जरूरत है, केवल मैंने उतना ही पार्ट को ज्वाइन करके दिखाया है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि देखिए साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ये देखिए ये दो साइक्लोपेंटा डाइनाइल का हमने एक साथ ले लिया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक बनेगा A1G, एक बनेगा A2U। देखिए एक बनेगा A1G, एक बनेगा A2U। तो ये A1G और A2U आ गया, जिसकी जो जिसका नाम हमने साइवन रखा है। फिर आप देखिए E1G एंड E1U, E1G कितने हैं, दो, और दो क्या है, E1U। ठीक है, तो ये देखिए दो E1G और दो E1U है। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो है E2G, दो E2G बने और दो EU बने, दो E2G बने और दो EU बने। तो इस तरीके से ये जो लिगेंड, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये किसके हैं, लिगेंड दोनों, ये दोनों लिगेंड के, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो उनके ऑर्बिटल्स हैं ये। ठीक है, और यहां जो ऑर्बिटल लिखे हैं ये लिखे हैं मेटल के, ये किसके ऑर्बिटल हैं, मेटल के। तो ये मेटल का डी ऑर्बिटल है, ये मेटल का एस ऑर्बिटल है, ये मेटल का पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो जो लिगेंड है उनकी जो सिमेट्री है वो क्या है, A1G है, A2U है, E1G है, E1U है, E2G, तो वो अपनी सिमेट्री किसके साथ मैच करेंगे, मेटल के ऑर्बिटल के साथ। तो हमने क्या किया कि मेटल के ऑर्बिटल की भी नेमिंग कर दी है। ये जो डी ऑर्बिटल थे इनको 5 ऑर्बिटल्स को हमने 3 ग्रुपिंग कर दी है, एक का नाम A1G होगा, एक का E1G होगा, एक का E2G होगा, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ दिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, उसके अकॉर्डिंग हम नाम दे रहे हैं मेटल के। क्योंकि आपने लिगेंड ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा, और वहां पर आपने देखा था जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो हम लिगेंड फील्ड अगर थ्योरी को देखेंगे तो पहले लिगेंड
क्या करते हैं, ग्रुप ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर हमने देखा था कि मेटल के जो ऑर्बिटल उनको हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ दीज लिगेंड्स। उसके बाद फिर क्या होता है कि अपनी सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो लिगेंड जो मेटल के ऑर्बिटल है उनके साथ क्या करते हैं, मैचिंग करके ओवरलैपिंग करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे यानी लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो ऑर्बिटल है ये मेटल के हैं, ये जो ऑर्बिटल है ये दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल के हैं, और जब ये मेटल के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेंगे, ये जो मेटलोसीन है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब यहां पर हमने नाम दिया है क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है, देखिए ये A1G जी है, ये 4s ऑर्बिटल है, और ये जो p ऑर्बिटल है उसको हम जो नाम देते हैं वो है A2U एंड E1U, नाम देंगे अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ दीज लिगेंड्स। इनके ऑर्बिटल्स के नेम के आधार पर हम यहां भी नाम देते हैं मेटल के ऑर्बिटल को। अब जिनकी सिमेट्री मैच करेगी, देखिए A1G और A1G, ये A1G, ये जिनकी सिमेट्री मैच करती है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये A1G, यहां पर दो ऑर्बिटल है, एक A1G एक A2U है, इसलिए दो ऑर्बिटल दिखाए हैं, एक A1G ठीक है, और यहां का A1G, ये देखिए ओवरलैप कर रहे हैं, ये क्या बना दिया इन्होंने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, A1G बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये A1G और ये A1G मिलके एक, देखिए एक ऑर्बिटल तो ये बना रहे हैं और एक ऑर्बिटल ये बनेगा, तीन ऑर्बिटल है ना A1G, एक A1G दो A1G तीन A1G, तो तीन A1G है तो तीन A1G बनेंगे, एक A1G ये बन गया, एक A1G ये बन गया, एक A1G ये बन गया, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन ऑर्बिटल हो गए। अब A2U देखिए, A2U की सिमेट्री A2U से मैच करेगी, ये देखिए A2U है, ये A2U इस A2U के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और A2U एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बना देगा, दो ही ऑर्बिटल है तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब आप E1G को देखिए, E1G, E1G की जो सिमेट्री है वो इसके साथ मैच करती है, तो E1G जब E1G के साथ ओवरलैप करेगा तो E1G E1G दो बॉन्डिंग बनेंगे और दो जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। E1U देखिए, E1 अगर E1U के साथ करेगा तो E1U क्या बना रहा है, दो बॉन्डिंग और दो क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जो कि ये है, देखिए तो इस तरीके से ये ओवरलैपिंग होगी। अब देखिए E2G, E2G, E2G की सिमेट्री यहां मैच करेगी, तो E2G जो E2G और E2G जब ओवरलैप करेंगे तो E2G बॉन्डिंग और E2G एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और आपने देखा था कि A2U जो है वो किसी के साथ सिमेट्री मैच नहीं कर रही, किसी का नाम भी A2U नहीं है यहां पर, तो इसलिए A2U ऐसे ही रह जाएगा और उसकी एनर्जी आप देख रहे हैं कि लगभग बराबर होगी और ये क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिने तो कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो मैंने आपसे ये कहा था कि 10 ऑर्बिटल तो ये हैं और 9 ऑर्बिटल ये हैं, जब 10 और 9 ओवरलैप करेंगे तो 19 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 19 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और 19 में से जिनसे हमें अधिक काम है वो काम हमें है इतने पोर्शन से भी, आप देखेंगे यहीं से हम बता देंगे कि पर्टिकुलर मेटलोसीन कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां पर ये, अब आप देखिए कि लिगेंड, हमने लिगेंड को क्या कहा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कहा। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन कहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, तो दो के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो रिंग है ऐसी, तो दो के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए दो के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो दो के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। और ये 12 इलेक्ट्रॉन कहां भर जाएंगे, देखिए एक हम बैक आ रहे हैं और हमने ये देखा था कि यहां पर आप देखिए जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अच्छा मैंने ये आपको केवल बॉन्डिंग के बारे में बताया, हाँ ये जो बन रहे थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे, ये बॉन्डिंग बनेंगे, ऐसे ही 8 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉन्डिंग 8 एंटी बॉन्डिंग बने। ठीक है,
और ये क्या हो गए, नॉन बॉन्डिंग है यहाँ पर, बीच में जो ऑर्बिटल है वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक A1G नॉन बॉन्डिंग आपने देखा था, तो टोटल टोटल कितने 19। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, जब आप इसको जो है वो नेगेटिव दिखा दोगे, ये दोनों नेगेटिव होंगे तो यहाँ पर अगर फिट कर देंगे तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। इसका उल्टा हम दिखा दें, ये पॉजिटिव दिखा दें, ये नेगेटिव दिखा दें, तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। इसको पॉजिटिव दिखा दें, इसको नेगेटिव बना दे तो एंटी बॉन्डिंग, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। तो ये कितने ऑर्बिटल दिखाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 क्या थे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 8 क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, और 1, 2 and 3, 3 क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसलिए टोटल जो ऑर्बिटल हुए वो कितने हुए, कितने हो गए, 19। अब आप देखिए कि यहां पर जो जो इलेक्ट्रॉन है वो 16 है, और आप देखिए जो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल बन रहे हैं वो कितने बन रहे थे, 8 बन रहे थे। 16 इलेक्ट्रॉन जो ये 12 इलेक्ट्रॉन है ये कितने ऑर्बिटल में भर जाएंगे, ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है ये कितने ऑर्बिटल में भर जाएंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं, तो ये कितने ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन है तो कितने ऑर्बिटल फिल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होंगे ना, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कितने, ये देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कितने, 1, 2, 3, 8 है, 8 में से 6 में तो ये भर गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो भर गए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से, भर गए। अब जो इसके ऊपर की जो फीलिंग आएगी ना इलेक्ट्रॉनों की, वो किसके इलेक्ट्रॉनों की आएगी, मेटल के इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करेगी ना। हमेशा किसी भी मेटलोसीन को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, आप आयरन का ले सकते हैं, आप कोबाल्ट का ले सकते हैं, आप निकिल का ले सकते हैं, सबके केस में ये 6 जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो तो भरे ही होंगे क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन यहां भर गए। अब जो ऑर्बिटल बचे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसकी होगी, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वही तो फिल होंगे, वो फिल हो जाएंगे यहां। तो अब मेटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा कि मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन है और उनकी फिलिंग कैसे होगी। तो अब हम केवल इतना पार्ट लेने वाले हैं, ये यहां तक इतना पार्ट हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। मेरे ख्याल में आपके समझ में आ रही होगी बात, मैंने आपसे ये कहा कि यहां 12 इलेक्ट्रॉन है जबकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहे हैं 8, तो 8 में से जो 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनमें तो 12 इलेक्ट्रॉन भरे ही रहेंगे, उनको तो सोचना ही नहीं है, वो तो हमेशा भरे रहेंगे। काउंटिंग जो इलेक्ट्रॉन, यानी ये सारे फील्ड है, सारे पेयर्ड है, तो इनकी वजह से तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सभी की डायमैग्नेटिक होगी, लेकिन अब जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फीलिंग डिपेंड करेगी कि वहां कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसके पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करेगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी में डिफरेंस कितना है। ये देखिए सिंपल वे में हम समझा सकते हैं, यहां तक जो A1G, A2U, E1G, NE1U ये नहीं दिखा रहे अब हम, क्योंकि ये हमें पता है कि ये यहां पर तक तो 12 इलेक्ट्रॉन सब में है। हम किसकी बात, हम इतना पोर्शन दिखाने वाले हैं E2G, A1G एंड E1G। देखिए E2G, A1G एंड E1G स्टार, इतना पोर्शन हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर मेटल के इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आप देखिए कि ये CP2V है, हमारे पास वेनेडोसीन है, हम नाम मेटल के अकॉर्डिंग इसको मेटलोसीन को नाम देते हैं, वेनेडियम है तो वेनेडोसीन है। अगर वेनेडोसीन है तो अगर मैं कहूं कि CP नेगेटिव है, 2 CP है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। वेनेडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, और लेकिन यहाँ जो CP है वो 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करके दिखा दिए। देखिए जो 3, देखिए 12 इलेक्ट्रॉन तो नीचे है ही है, उनको हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, और बाकी जो बचे वेनेडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन हमने किए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो अब आप ये देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया,
12 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से थे जो भरे हुए थे, और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि वेनेडोसिन कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि 12 तो नीचे भरे ही रहेंगे, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में आने हैं, और ये जो है कैसा है, पैरामैग्नेटिक है नेचर में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछते हैं वेनेडोसिन बताइए कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अब आप इन दोनों को अभी हम छोड़ते हैं, अब आप यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए फेरोसिन में, फेरोसिन को देखिए आप, फेरोसिन में अगर आयरन को हम देखें तो आयरन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन क्योंकि यहां पर हम इसको माइनस मान रहे हैं तो ये Fe2+ है, Fe2+ है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इसमें फिल होंगे। तो जब इसमें फिल होंगे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो फिर आप देखेंगे कि ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन तो नीचे है, वो तो पहले से ही है, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और है, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। अगर मैं कोबालोसिन को देखूं तो कोबालोसिन को देखिए डायमैग्नेटिक है जो फेरोसिन है, अगर मैं कोबालोसिन को देखूं तो आप देखिए कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कितने होंगे, 7 होंगे, क्योंकि इसमें 2 जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे तो देखिए 12 नीचे और 7 ऊपर है, तो क्या हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन। हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत इतनी है कि इसके पास बाहर इलेक्ट्रॉन कितने, 12 पहले से ही है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 19 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, और ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है नेचर का। देखिए अगर मैं कोबालोसिन का आयन लूं, देखिए कोबाल्टीसिन का अगर मैं आयन लूं, कोबाल्टीसिन है ये, इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन गायब है, मतलब अब इसमें 3 पॉजिटिव आ गया, 3 पॉजिटिव का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये बिल्कुल किसकी तरह हो गया, देखिए आयरन की तरह हो गया। फेरोसिन 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे फेरोसिन होता है ऐसे कोबालिसिन भी होता है, डायमैग्नेटिक, जबकि कोबाल्टोसिन जो है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। अब निकिलोसिन देखिए, निकिलोसिन 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन यहां पर निकिल के ऊपर 2+ चार्ज है, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो आप देखिए ये जो है वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, और 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे और 8 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब हम इन स्पीसीज को देख रहे हैं जहां पर एनर्जी गैप जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्रोमोसिन, अगर क्रोमियम और मैग्नीज के केस में हम देखेंगे तो ये थोड़े डिफरेंट हैं। यहां पर क्रोमियम के केस में ये जो ईजी और A1G के बीच का गैप है ये कम होता है, कम होता है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो कैसे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होगी, लेकिन यहां पर क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये एनर्जी गैप क्या है, कम है, तो इसलिए जो है क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन यहां पर क्रोमियम 2 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन में क्योंकि ये एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, और ये एक 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर हम मैग्नीज के केस को देखेंगे तो वहां पर ये जो एनर्जी है जो E1 है वो भी नीचे होती है, वो एनर्जी गैप भी कम होता है, इसलिए ये बहुत हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, ये पैरामैग्नेटिक होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, 12 तो पहले से ही थे और 5 और हैं, तो ये कैसा सिस्टम होगा, 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। अब अगर यहां पर सीपी स्टार कर दें, यहां पर हम सीपी स्टार, तो सीपी स्टार करेंगे तो सीपी स्टार मतलब कि Ne आ गया उसमें, ठीक है, तो वो सीपी स्टार स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो जो जो डिस्टेंस है ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की जो जो स्प्लिटिंग है उसको बढ़ा देगा, और स्प्लिटिंग बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देखिए कैसी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है यहां पर कैसा बन गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सीपी स्टार कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसलिए ये जो मैग्नेसिन है ये लो स्पिन होगा और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा, और ये अगेन ये 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हम बहुत छोटे से डायग्राम से ही हम बता सकते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि एक बार मैं आपको और बता दूं कि यहां पर 10 मॉलिक्यूलर और जो 10 एलजीओस थे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, यहाँ पर 9 मेटल के ऑर्बिटल थे, और 9 ऑर्बिटल जब 10 ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे तो 19 ऑर्बिटल बनाएंगे, 19 में से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे 8 होंगे, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे 8 होंगे, और 3 क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, 8 में से जो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे बॉन्डिंग वो हमेशा भरे हुए होंगे, और जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी फीलिंग बताएगी कि ये पर्टिकुलर मेटल क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब हमने उसी चीज को जिस्ट दिया है
कि अगर हम फेरोसीन को देखें, कोबाल्टीसीन को देखें, तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी। अगर हम कोबाल्टोसीन और निकिलोसीन को देखें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन से ऊपर इनमें इलेक्ट्रॉन थे, एक 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, एक 19 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। अगर हम वेनेडोसीन को देखें और क्रोमोसीन को देखें तो ये इनमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो 18 इलेक्ट्रॉन से कम थे, ठीक है। तो और अगर हम Cp2Mn को देखें तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। तो हम इससे क्या बता सकते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि जो फेरोसीन और कोबाल्टीसीन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर हम कोबाल्टीसीन और निकिलोसीन को देखें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये उतनी स्टेबल नहीं होगी जितनी स्टेबल फेरोसीन होगी। सो कोबाल्टोसीन एंड निकिलोसीन आर दे आर रिएक्टिव स्पीसीज। अगर हम वेनेडोसीन और क्रोमोसीन को देखें तो इनमें इलेक्ट्रॉन 18 से कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 18 से कम है तो ये कैसा, अगेन ये कैसे है, ये भी रिएक्टिव होंगे क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक थे, ये भी पैरामैग्नेटिक थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ही रिएक्टिव स्पीसीज है। और अगर हम Cp2Mn को देखेंगे तो ये हाई स्पिन है, आपने देखा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इट इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज स्टेबल होगी, कौन सी स्पीसीज अनस्टेबल होगी, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में हम बता सकते हैं। अब हम देखेंगे जो बेंट मेटलोसीन है उसके बारे में भी हम बता सकते हैं, उसकी उसकी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए TICP2 हमने पढ़ लिया है, देखिए TICP2 हमने यहां लिखा नहीं है, लेकिन हम TICP2 को भी बना सकते हैं, क्योंकि TI मींस उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लेकिन अगर वो 2+ है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए ये पोर्शन देखिए, हमने केवल इतना पोर्शन दिखाया है, इतना, बाकी नीचे तो 12 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया है कि टाइटेनियम का जो जो सैंडविच कंपाउंड है वो दिखाया है यहां पर, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन ईजी में है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ईजी में, और 2 ये क्लोरीन के साथ जब क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ये 2 क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है ये किसके हैं, TICP2 के। बहुत आसान तरीके से हम इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता सकते हैं। अब ये जब ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये देखिए 2 इसके ऑर्बिटल, 2 इसके ऑर्बिटल, तो ये 2 बॉन्डिंग बनाएंगे और 2 क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बनाने वाले हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां भर गए, यहां पर भर गए, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, क्योंकि इसके नीचे 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके नीचे 12 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही इसके नीचे भी क्या होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है। तो ये एक हार्ड लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, ये आसानी से पाई बेसिक लिगेंड के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये रिएक्टिव स्पीसीज है। रिएक्टिव स्पीसीज क्यों होती है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अधिक होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर अधिक होंगे तो वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है, अगर कम होंगे तो वो एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये अगर हम मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स देखें, बेंट मेटलोसीन देखें, जहां पर ये MOCl2 है और ये 2Cl है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर ये जो एक ऑर्बिटल है वो यहाँ का एक ऑर्बिटल है, और ये जो 2 ऑर्बिटल है ये क्या बना रहे हैं, ऊपर बॉन्डिंग, ये एक्चुअल में ये जो ऑर्बिटल है ये नॉन बॉन्डिंग रहता है, और ये केवल बॉन्डिंग, ये क्योंकि इन दोनों की सिमेट्री मैच कर रही है, देखिए यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो 2 बॉन्डिंग बनाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, और बाकी ये जो ऑर्बिटल है दे विल रिमेन नॉन बॉन्डिंग, वो नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर MO के केस में 4 इलेक्ट्रॉन है और यहां Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज होंगे कि ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा नेचर का, और ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे 12 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन यहां है, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो इट इज अ गुड बेस, ये एक अच्छा बेस है, और ये सॉफ्ट पाई बेस कहलाता है, और ये एक अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ बॉन्ड बना सकता है क्योंकि बेस है, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड इसके साथ जब बॉन्ड करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो Cp2MOCl2 है एक अच्छा बेस है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और जो Cp2TiCl2 है एक अच्छा एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस तरीके से हम बेंट मेटलोसीन के भी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन देखें,
तो बहुत आसानी से बन सकती है, ये किससे बन सकता है? साइक्लोपेंटाडाईइन से। साइक्लोपेंटाडाईइन में जो हाइड्रोजन होती है वो आसानी से निकल सकती है, बेसिक होती है, तो ये क्या बनाती है? साइक्लोपेंटाडाईइनाइल एनायन बनाता है। ठीक है, तो साइक्लोपेंटाडाईइनाइल एनायन भी कहाँ से बनता है? जनरली सीपीएच से बनता है। और ये जो साइक्लोपेंटाडाईइनाइल एनायन है, मतलब हम सोल्ट सोल्ट बना सकते हैं इसका। ये जो सोल्ट है, ये देखिए, ये सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ NaCP, LiCP या CpMgBr ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे पास साइक्लोपेंटाडाईइनाइल एनायन है। तो ये जब FeCl2 से रिएक्ट कर रहा है तो देखिए फेरोसिन बना रहा है। ठीक है, तो ये फेरोसिन बना रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, और आयरन कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसलिए ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है। यानी आप देखेंगे Cp- फॉर्म कर सकता है कॉम्प्लेक्स, Cp+ कंटेनिंग कंपाउंड्स कर सकते हैं। यहां पर Cp- की फॉर्म में है, यहां पर Cp+ की फॉर्म में है। देखिए यहां पर Cp+ की फॉर्म में है, तो Cp, क्योंकि हम यहां पर नेगेटिवली चार्ज मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, यहां पर जो हमने रिएक्शन कराई है वो Fe2+ के साथ कराई है, यहां पर Fe के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उससे हम जब रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे हमें फेरोसिन मिलेगी। और तीसरा जो मेन मेथड है वो है डाईइन से। डाईइन हम साइक्लोपेंटाडाईइनाइल का डाईइन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, और उसकी जब रिएक्शन मेटल कार्बोनिल से कर रहे हैं तो फिर ये साइक्लोपेंटाडाईइनाइल, यानी ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है? ये बन रहा है पियानो स्टूल टाइप कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो आयरन है, आयरन जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाईइन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसकी प्रेजेंस में, और क्या बना सकता है? Cp2Fe। और ये जो CpH है, इट कैन बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ डाई साइक्लोपेंटाडाईइनाइल लिगेंड, उससे हम क्रैकिंग करके CpH बना सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ये है। अब अगर हम इनके रिएक्शंस देखेंगे तो रिएक्शंस, ये कई तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, आप देखेंगे जो साइक्लोपेंटाडाईइनाइल रिंग है ये सब्स्टिट्यूट हो सकती है नाइट्रोसिल के साथ। तो ये निकिल का जो निकिलोसीन है, ये नाइट्रोसिल को क्या कर सकता है? नाइट्रोसिल को अपने में सब्स्टिट्यूट कर सकता है साइक्लोपेंटाडाईइनाइल रिंग की जगह पर। फिर आप देखेंगे ये जो साइक्लोपेंटाडाईइनाइल रिंग है, ये सब्स्टिट्यूट हो सकती है Pr3 से, यानी फॉस्फिन लिगेंड जो है वो इसको रिप्लेस कर सकता है। तो ये निकिल में जो साइक्लोपेंटाडाईइनाइल है, इन्होंने रिप्लेस करके कौन जुड़ गया? फॉस्फिन लिगेंड ऐड हो गए। फिर आप देखेंगे कार्बोनिल से रिएक्ट कर सकता है, और कार्बोनिल से रिएक्ट करके कुछ डाइमर टाइप का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर। और फिर आप देखेंगे ये प्रोटोन के साथ रिएक्शन कर सकता है, यानी साइक्लोपेंटाडाईइनाइल रिंग का प्रोटोनेशन हो सकता है, और निकिल के साथ ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है थ्रू प्रोटोनेशन। देखिए यहां पर भी आप देखेंगे जैसे फेरोसिन है, उसका प्रोटोनेशन भी पॉसिबल है। तो प्रोटोनेशन एंड ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इसका। जब प्रोटोनेशन करते हैं फेरोसिन का, तो आप देखेंगे कि एच जो है वो पहले रिंग में ऐड होता है, और उसके बाद ये एच रिंग से हटके कहां जाता है? इस आयरन पर आ जाएगा, और इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये प्रोटोनेशन के थ्रू, आप देख रहे हैं। या फिर यहां पर भी आप देख रहे हैं कि आयरन के जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन ऑक्सीडाइज हो सकता है, प्रोटोनेट हो सकता है, और एरोमेटिसिटी पर बेस्ड भी ये रिएक्शन शो करता है, क्योंकि आपने देखा जो साइक्लोपेंटाडाईइनाइल एनायन होता है वो कैसा होता है? वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये एक एरोमेटिक सिस्टम की तरह एक्ट करता है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो बिल्कुल बेंजीन की तरह रिएक्शन देता है, जो एक एरोमेटिक लिगेंड जो एक रिएक्शन दे सकता है, वही रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाईइनाइल्स भी देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जो साइक्लोपेंटाडाईइनाइल, ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी ये इस रिंग का एसाइलेशन किया जा सकता है, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड में करते हैं, तो वही फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहां पर हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एरोमेटिसिटी की वजह से जो रिंग के जो हाइड्रोजन होते हैं दे बिकम एसिडिक, वो एसिडिक हो जाते हैं जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो ये क्या कर सकता है? लिथिएट हो सकता है, ये जो साइक्लोपेंटाडाईइनाइल जो कंपाउंड है, जो सैंडविच कंपाउंड है, ये लिथिएट हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रामिथाइल इथाइलिन डायमीन, इसकी प्रेजेंस में। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिथियम जुड़ गया, या तो लिथियम दोनों रिंग्स में जुड़ सकता है या किसी एक रिंग में जुड़ सकता है। और ये जो TMEDTA है ये इस लिथियम के साथ अटैच हो जाता है, और इस तरीके से स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है,
और लिथिएशन कर सकता है आसानी से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल की जो इंटरेस्टिंग जो केमिस्ट्री है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। एक बार लेट्स हम इसको फिर से समराइज करते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल को, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग लिगेंड है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जो कि क्या बना सकता है, एक तीन तरीके के कॉम्प्लेक्स बना सकता है। एक बना सकता है वो आपने देखा सैंडविच कंपाउंड, एक बना सकता है वो हाफ मेटलोसिन और एक बना सकता है बेंट मेटलोसिन। अब आप देखिए, ये मैंने आपको लिगेंड का कैटेगराइजेशन बताया पहले कि डाइनाइल होते क्या है। डाइनाइल्स आर 5 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज और ये 5 मेंबर्ड हो सकते हैं, 6 मेंबर्ड हो सकते हैं, 7 मेंबर्ड हो सकते हैं, और लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जनरली 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कोशिश करते हैं कि बने। ठीक है, और आपने देखा कि ये तीन तरीके के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, सैंडविच या मेटलोसिन, बेंट मेटलोसिन या पियानो स्टूल, यानी ये तो हाफ सैंडविच है बेंट और ये पियानो स्टूल है। ठीक है, और क्योंकि ये एरोमेटिक जो इफेक्ट है वो शो करता है अगर ये एनायनिक फॉर्म में हम इसको देखेंगे। और दूसरा है, आपने देखा कि ईटा 5, ईटा 1 या ईटा 3 की फॉर्म में भी ये अटैच हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इसे देखें माइनस चार्ज की वजह से ये एक अच्छा पाई एक्सेप्टर नहीं होता है, बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर ये नहीं है। एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल जब उसके 5 ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 5 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये जो 5 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है फिर दूसरे 5 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल के साथ जब कंबाइन होते हैं तो फिर ये 10 नए लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे, और उन 10 में से जो 8 होते हैं वो 8 मेटल के 9 ऑर्बिटल के साथ क्या बनाते हैं, 8 बॉन्डिंग और 8 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी E2U एंड A1G ये रह जाते हैं नॉन बॉन्डिंग। और इस तरीके से आपने देखा जो 8 में से जो 6 ऑर्बिटल हैं वो फिल्ड रहते हैं, उनमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हम बहुत आसानी से इसके जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को यहाँ पर शो कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि इनका नेचर कैसा है। और अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये स्टेबल है, अगर उससे अधिक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो रिएक्टिव है, अगर उससे कम इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो भी रिएक्टिव है, और अगर हाई स्पिन है तो वो भी बहुत रिएक्टिव है। फिर आपने देखा कितने छोटे से डायग्राम में हमने बेंट मेटलोसिन के बारे में बता दिया कि ये पर्टिकुलर जो बेंट, हम किसी भी बेंट मेटलोसिन को बता सकते हैं, तो पर्टिकुलर जो बेंट मेटलोसिन है वो कैसी है, क्या वो एक अच्छी बेस है या वो एक अच्छी एसिड है, तो उसी अकॉर्डिंग वो रिएक्शन शो कर सकती है। फिर आपने देखा उसके प्रिपरेशन के मेथड, हम सीपी माइनस से बना सकते हैं, सीपी माइनस कंटेनिंग कंपाउंड से, सीपी प्लस कंटेनिंग कंपाउंड से, डाइईन से हम बना सकते हैं, और हम देखिए आप हम आयरन से डायरेक्ट बना सकते हैं इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, आयरन रिड्यूस्ड फॉर्म में अगर होगा तो भी हम उससे साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। रिएक्शंस आपने देखी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, फॉस्फिन रिगेंड के साथ कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है, प्रोटोनेशन इसका आसानी से हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है आसानी से, और ये वो रिएक्शंस भी शो करता है जो रिएक्शंस एक एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द साइक्लोपेंटाडाइनाइल। थैंक यू वेरी मच।